साथियों नमस्कार। साथियों आपको पता है कि भारत में बेरोजगारी की वजह से बहुत से लड़के दूसरे देशों में जाके अपना गुजर बसर करते हैं और वहाँ भी अपने रोजी रोटी कमाते हैं। तो भारत के बहुत से लड़के यूक्रेन में गए हुए हैं और जिनमें बहुत से लड़के हरियाणा से हैं। और आपको पता है कि यूक्रेन का और रूस का इनका आपस में युद्ध चल गया है, लड़ाई चल गई है और जो भारत के लड़के वहाँ पे गए हुए वो वहाँ पे फंस गए हैं और ना उनके वापस आने का कोई रास्ता है, ना उनके वहाँ उनको ये मुसीबत है, उनको नुकसान ना हो जाए। तो वो भारत के दूतावास से भी वहाँ से बहुत से लड़के गुहार लगा रहे हैं। तो हमारी हरियाणा सरकार से, हमारी भारत सरकार से, दोनों सरकारों से विनती है कि गंभीरता से इस मुद्दे को लें और वहाँ पे जो भारत के लड़के फंसे हुए हैं उनको तुरंत भारत वापस लाया जाए, जो हरियाणा के लड़के फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए। हरियाणा सरकार भी उस पर गंभीरता से इस मैटर को ले और हरियाणा सरकार खुद दिल्ली सरकार के पास जाए और जो वहाँ पे लड़के फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का इंतजाम किसी न किसी तरह से करें और इसका खर्चा भी जो है वो सरकारें खुद वहन करें, क्योंकि सबसे पहले अपने नागरिकों को बचाना ज़रूरी है। और इस वक्त जो यहाँ से बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे, अपना परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे देशों में अपना परिवार छोड़ के गए थे, इस वक्त वो सारे वहाँ मुसीबत में हैं और वहाँ फंसे हुए हैं। तो वहाँ से उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें